हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये गीली सांगरी की सब्जी। मार्केट में अभी गीली सांगरी आ रही है। इस सांगरी और प्याज की सब्जी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली सांगरी की सब्जी। तो सांगरी की सब्जी बनाने के लिए पहले हमको सांगरी को इस तरह से साफ़ करना होगा और फिर इसको टुकड़ों में काटना होगा। बड़े छोटे जो भी आपको पसंद हो उन टुकड़ों में आप इसको काट सकते हैं। तो मैंने ये सारी सांगरी को कट कर लिया है। तो अब हम इसको उबालेंगे। तो मैंने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें डाला है पानी और इसमें डालेंगे ये सांगरी। अब हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सांगरी प्याज की सब्जी में सांगरी को उबाला था सिर्फ एक विशल आने तक ही, बस इतना ही हम इसको उबालेंगे। प्रेशर कुकर ढक्कन बंद कर देंगे और एक विशल इसमें लगा लेंगे। ये एक विसल लग चुकी है। तो अब प्रेशर कुकर की सारी स्टीम को हमें निकाल देना है। अगर इसमें स्टीम रहेगी तो सांगरी हमारी गल जाएगी। और ये देखिए सांगरी हम चेक कर लेते हैं, ये सांगरी उबल के तैयार है। तो बस इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। ये दीजिए सांगरी उबल के तैयार है। अब मैंने लिए कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब तेल। और जब तक तेल गर्म होता है हम सांगरी में डाल लेंगे मसाले। तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 चम्मच के करीब ही आपको धनिया पाउडर डालना है और थोड़ी आपको इसमें हल्दी डालनी है। मसालों की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों को सांगरी में इस तरह से फ्रेंड्स मिला लेना है। और अब कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल दूंगी जीरा और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी हींग। और अब ये मसाले वाली पूरी सांगरी इसमें डाल देंगे। इस तरह से जब हम मसाले मिला करके सांगरी में डालते हैं ना, तो मसाले हमारे जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छा मसालों का कलर आता है। आप चाहें तो इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर मैंने जो सांगरी की सूखी सांगरी की सब्जी आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने पानी में घोल करके मसाले कैसे डालते हैं वो आपको बताया है। तो आप चाहें तो पानी में घोल करके मसालों को पहले ऑयल में पका लें और फिर सांगरी को डाल दें। और अगर आपकी सांगरी ज़्यादा उबल गई हो तो भी आप इस तरह से सांगरी को बाद में डाल सकते हैं, पहले मसालों को पका लें। और ये देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी फेंटा हुआ दही। बस दही डालने के बाद आपको गैस को बंद कर देना है और दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। तो बस तैयार है हमारे राजस्थान की फेमस दही सांगरी वाली सब्जी। तो गैस खाने में ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे राजस्थान की ये फेमस सब्जी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया और जितनी प्यारी दिख रही है ना उतनी ये खाने में स्वाद भी है। तो गाइस कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये सांगरी की सब्जी? अगर आप सबको मेरी आज की ये दही सांगरी की सब्जी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।